पंचकुला के सेक्टर 14 के कॉलेज में पढ़ने वाली विधि ने अपनी कलाकारी का प्रदर्शन किया है। वीडियो में दिख रही शराब की बोतलों को सजाकर विधि ने एक अनोखा रूप दिया है। वहीं इन बोतलों को घर में पड़ी खराब चीजों की मदद से सजाया गया है। जी हाँ, वही खराब चीज जिनको हम अक्सर खराब समझकर फेंक देते हैं। आपको बता दें कि विधि के पिता की कबाड़ की दुकान है और अपने पिता की दुकान में पड़ी खराब शराब की बोतलें व अन्य कबाड़ के सामान उठाकर अपनी कला से उन्होंने सबको हैरान कर दिया है। वही कॉलेज छात्र विधि ने बताया कि पढ़ने के साथ साथ उन्होंने एक छोटा सा स्टार्टअप भी किया है और इसमें सरकार ने भी उनकी मदद की है। नमस्ते, मेरा नाम विधि है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं BCOM ऑनर्स कर रही हूँ यहीं के सेक्टर 14 पंचकुला के कॉलेज से। और मैंने भी एक अपना छोटा मोटा स्टार्टअप किया है, जैसे मेरे जिसमें हरियाणा सरकार ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, क्योंकि वहीं मेरे कॉलेज से ही मुझे पता लगा कि या एक ऐसा या वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे सपोर्ट मिल सकता है अपना स्टार्टअप करने के लिए। मेरे पापा स्क्रैप डीलिंग का काम करते हैं, तो तभी मैंने वहाँ से देखा कि जो वेस्ट चीज़ें हैं मैं उनका यूज़ कर एक अच्छा प्रेजेंटेबल थिंग बना सकती हूँ और उसको बेच भी सकती हूँ। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई है, जिसके अंदर से एक जैसे मेरी बॉटल है, जैसे आप देख सकते हैं, इसके जो हमने वेस्ट बॉटल है, ये शराब की बॉटल हो जाती है या फिर कोई दूध की बॉटल है, तो इसके ऊपर मैंने कैन के ढक्कन लगाए हैं, या फिर जो मेरी वेस्ट चाबियाँ होती हैं या फिर कोई मंगलसूत्र टूट जाता है, तो मैंने वो सब इसके ऊपर लगाया और उसको प्रेजेंटेबल बनाया है। किस प्रकार से बचपन से ही आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक रहा है, तो फिर एक दिन जब मुझे मैंने देखा यहाँ पे कि मुझे मेरे मेंटर्स ने कहा कि आप अपने प्रोफेशन को या फिर इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं, जैसे आपकी स्किल है तो उसको डेवलप करके आप प्रोफेशन भी बना सकते हैं, तो तभी मैंने सोचा कि ठीक है मैं इसको एज अ बिजनेस भी सोचूं। अभी शुरुआत की है आपने, एक नया आइडिया क्रिएट किया, आगे क्या सोचा, क्या बड़ा कुछ करना चाहते? इसके साथ साथ जैसे कि अभी हम इसकी वर्कशॉप भी प्रोवाइड करना चाहती हूँ मैं लोगों को। अभी मैं कुछ जगहों पर ही कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको ट्राई सिटी में और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, लोग उसको जाने। और इसके साथ साथ मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि हर चीज़ वेस्ट नहीं होती है, आप उसको कुछ अच्छा भी बना सकते हैं, कुछ बेहतर बना सकते हैं, और वैसे लोगों को सिखा दीदी जिस प्रकार से आजकल करें। जी, जैसे कि अभी हम लोग ऑनलाइन के अंदर अभी सिर्फ इंस्टाग्राम पे हैं, बट इसके साथ साथ हम लोग एक बरकत बाज़ार है, वो भी मुझे हमारे मेंटर्स की वजह से एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ से हमें ऑर्डर्स वो मिले। अभी उसका प्रोसेस चल रहा है, बट बहुत जल्द हम बरकत बाज़ार पर भी आपको दिखेंगे। जी, इसको एज ए बनाने के अंदर हमें मतलब कि 3-4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इसको एज ए फाइनल प्रोडक्ट करने के लिए, और इन सब की अगर हमें इनकी कीमत हमें 1000 या फिर 1200 तक की मिलती है। ये इंस्टाग्राम पेज है आरटी कौशिक के नाम से, आप वहाँ से भी हम इनसे ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो क्या जी अभी मेरा एक कोलैबोरेशन एक और स्टार्टअप के साथ है जिसका नाम है निकिराज क्रिएशन, तो उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं। उनका भी इंस्टाग्राम पे है निकिराज क्रिएशन 52 के नाम से, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं हमारे सारे अपडेट्स। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।